जागू तेरे नाम, जागू तेरे नाम, मैं तारा तारा जागू तेरे नाम। के संतों की जय। जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान की जय। परम आराध्य परम पूजनीय सतगुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन है। हृदय आंगन में प्रिया प्रीतम के चरणों को रखते हुए मंच पर विराजमान महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी संत गण पधारे हैं सभी के चरणों में मेरा नमन, सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्णा। अभी भैया ने एक बात कही गुरुदेव के दर्शन की, मैं गुरुदेव से जरूर प्रार्थना करूंगी। ये बात सत्य है कि रामेश्वर भैया ने पहली बार आज जब आए तो तब भी यही बात चल रही थी कि दीदी आप पहली बार कैसे आए थे। तो भैया मैं आपकी वही छोटी सी बहन आज भी हूँ जैसे आपने मुझे अपनापन दिया। जब भी फतेहाबाद में आने की बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा परिवार बुलबाके बिहारी लाल की जय। और वास्तव में ये परिवार कब बना? जब गुरु की कृपा हुई। मैं जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आप लोगों का प्रेम है भैया, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है। हम तो आपके चरणों के रज के कण के बराबर भी नहीं है। इतने आनंद से आप सुनते हो, आप पर खूब कृपा बरसती है। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि मेरे फतेहाबाद पर ऐसे ही वो रंग बरसाए रखें, ऐसी ही वो कृपा बरसाए रखें। क्योंकि संकीर्तन कई जगह होते हैं, हर जगह की बात आती है, दीदी वहाँ के श्रोता गण ऐसे, वहाँ के लोग ऐसे, लेकिन फतेहाबाद का जिक्र जहाँ जहाँ आता है तो वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे रसिक बहुत हैं। और रसिक हर किसी को तो नहीं कहा जाता, जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है उसको ये उपाधि मिलती है। तो भैया मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ। तो आइए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें, अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। वहीं के हैं, वहीं के होकर रहना है और उन्हीं के चरणों की रज में मिलकर ठाकुर की शरण में जाना है। हमारे बीच कुछ सखी भाव में बहुत सुंदर सखी आई हैं, हमारे फतेहाबाद जनता से प्रार्थना, कृपया उनके लिए थोड़ा स्थान देंगे ताकि ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर ढंग से हो सके। कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, ऐसी प्रार्थना आपसे। एक प्रार्थना और करेंगे थोड़ी सी हमारे भक्तों से। हमारे बीच हमारे सिरसा के सांसद अशोक जी तंवर अभी पहुंच रहे हैं, कृपया थोड़ा सा स्थान दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आगे सज्जन जो बैठे हैं उनसे प्रार्थना, कृपया इधर साइड में आ जाएंगे। Yeah.
पूछना, बस ये बता दो कि मुझे वृंदावन वास मिलेगा क्या, जिस समय गुरुदेव ने हाथ देखा तो उनके चेहरे पर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कहने लगी है तो बेटा किशोरी जी के हाथों में। इतने में एक माता बोल पड़ी, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि जब इस रास्ते पे चलने लगो या जब तक रहोगे तब तक आपके चरित्र पर कोई ना कोई लक्षण लगता ही रहेगा, वो आज तक लगता आ रहा है और जब तक है तब तक लगेगा। एक माता जी बोल पड़ी बीच में, गुरु जी की कर दे, एनु वास मिलने
ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੇ ਭਰ ਆਈ, ਹਮਾਰੇ ਹਾਥ ਕੋ ਪਕੜਾ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ। ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਕਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਾਸ ਹੋਗਾ, ਅਬ ਚਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੀਚ ਮੇਂ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਇਸਕਾ ਵਾਸ ਹੋਗਾ। ਕਦਰ ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਦਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਕੌਣ ਜਾਣਤਾ ਥਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ।
आज गुरु की कद्र, लेकिन वास्तव में गोविंद से ज्यादा कबीर जी ने भी कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े में का के लागूगा। मेरे ठाकुर ने ये रेखा बना के भेजी है, लेकिन इस रेख में मेघ मारने वाले केवल गुरु है। और सबसे पहले गुरु अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया। माता पिता की कद्र नहीं है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। आज जब हम बच्चे थे तो माता पिता से तीन चार बार प्रश्न पूछते थे, माँ ये क्या है, तो वो चार बार बताते थे। आज अगर बूढ़े हो जाते हैं ना, वो आवाज लगा दे, बेटा की हुए असी, सवेरे घर कौन आया, असी चार बार पूछ ले, और कोई काम नहीं, सारा दिन मेरे को ही बैठा रहा, मेरे को बैठा रहा। पता है रोटी कमाने कितनी औखी है। आजकल के माँ बाप की ये हालत है कि वो खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, हमें अपने बच्चे ही समझ के पाल लो, माँ बाप ना सही। पहले माता पिता की कद्र करनी शुरू करो, गुरु की कद्र करो, फिर जाके कहीं गोविंद के बारे में सोचो। तो आइए जरा दोनों हाथ उठा के अपने गुरु से कहें कि हम लोगों को ऐसी बुद्धि दे। ओ मेरे बाबा मो पे दया, मेरे बाबा मो पे दया करो, मेरे बाबा मो पे दया करो, मेरे बाबा मो पे दया करो, मेरे सतगुरु मो पे कृपा 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 करो, करनी चाहिए गुरु की करनी चाहिए। अगर देते हो तो दोनों हाथ उठा के ओ मेरे बाबा मेरे बाबा जप हरे कृष्ण हरे राम, जय 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 ज
आइए चले, जहां की हमारी औकात है वहीं पर चले। प्रार्थना करें सरकार, केवल बिहारी जी के चरणों में चला जाए। अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करो। ये लेडीज के पीछे जो हमारे जेंट्स भाई खड़े हैं उनसे प्रार्थना इस तरफ आ जाएं। मेरे भाइयों से प्रार्थना है बैठ जाएं, जहां उनका स्थान है मर्यादा बनी रहे तो अच्छा है। मिलकर प्रार्थना करें बिहारी जी से, दोनों हाथ उठाकर। जितने मर्जी भजन सुन लेना, लेकिन जो शक्ति जो आनंद प्रार्थना में है वो किसी में नहीं है। मांगना है तो मांगने के तरीके से मांग, दरे यार से क्या नहीं मिलता। Thank you.
माता आती है जिनको आंखों से दिखता नहीं है सूरदास।
छड़ी पर घुंघरू बंधे हैं, सारा दिन बिहारी जी बैठी रहती है। उनको कोई कह दे मैया चलोगे राधा वल्लभ, कहती नहीं मैं एक की हूं, सारी जिंदगी एक की ही बनकर रहूंगी। एक बार बैठी वहां पर बिहारी जी की चौखट पे रो रही थी। हमने पूछ लिया मैया क्या हुआ, कहने लगी लाली इन आंखों से तो दिखता नहीं है, फिर भी बिहारी जी को सारी जिंदगी अपना माना और आकर वृंदावन में एक सेवा मिली थी कि बिहारी जी के यहाँ वो पंखा लगा रहता था, ऊपर कपड़ा टंगा था और रस्सी से खींचते थे हवा। कहने लगी अब बिहारी जी के यहाँ किसी भक्त ने आकर एसी लगवा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझसे कौन सी त्रुटि हो गई, जो इस नाचीज को एक सेवा दी और बिहारी जी ने वो भी छीन ली, लगता है कि मैं पसंद नहीं आई उनको। अब सारा जीवन निकल गया, सारी जिंदगी इस सेवा में निकल गई, लेकिन आज इस बूढ़ी के पास एक सेवा थी बिहारी जी ने वो भी छीन ली, पता नहीं कौन सी कमी रह गई। भावना जो इन बातों को जानते हैं वही प्रार्थना कर सकते हैं। इस मौन मान का कारण क्या, स्वामी मुकुंद हरि जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, सारी जिंदगी बिहारी जी की सेवा में लगा दी, लेकिन फिर भी लगता है कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कमी है। एक वृद्ध अवस्था बिहारी जी से पूछ रहे हैं इस मौन मान का कारण क्या। मन भाई नहीं पुजारी का, मन भाई नहीं पुजारी, आजकल कौन देखता है इस सेवा को, लेकिन वो बेटी आज भी रोती है कि पता नहीं मुझसे क्यों छीन ली। जब तक हम इस भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक इस भाव पर हमारे भाव बन ही नहीं सकते। मेरे बांके बांके बिहारी रखियो चरण, भगत कहाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक भी ऐसा उठ के बता दे जो वृंदावन इस भावना से गया हो कि वहां पर साधन सुविधा कोई ना मिले कोई बात नहीं, बिहारी जी की चौखट पे सो जाएंगे। सुबह उठे भक्तों के आने से पहले बिहारी जी की चौखट को साफ कर दे, कोई ऐसी भावना है। भक्त कहाना रसिक कहाना बड़ा आसान है भैया, लेकिन भक्ति तो बड़ी दूर है। वो शबरी ही तो थी, उसने एक दिन नहीं सारी जिंदगी इंतजार किया, फूल बिछाती थी कोई पैर रख दे, अरे भैया ना इसमें मेरे राम आएंगे उनके चरण पड़ने, अरे तेरे यहाँ राम आएंगे, तू तो नीच जाति की है, तेरे यहाँ आएंगे, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे गुरु ने कहा है वो आएंगे। दुनिया कुछ भी कहे मुझे फिर भी इंतजार है कि मेरे राम आए। सारी जिंदगी का सार यही है कि वो हमें हमारी औकात याद दिलाए रखे कि हम चरणों के हैं, चरणों के ही बन के रहे।
तक भाव से नहीं कहोगे ना तब तक वो भी नहीं सुनेगा, इसीलिए दोनों हाथ उठा मेरे बाके पल्ले चिकड़ परे ते में कीड़ा मल मल धोस साबन थोड़ा ते मैल घनेरी
टूटना जोड़ना तोड़ना अब तेरा काम है, जोड़ना चले जाए तो क्या बात है। जोड़ना